शुक्रिया शुक्रिया धन्यवाद थैंक यू अर्चना जी धन्यवाद धन्यवाद बैठिए अर्चना जी 2003 में एक फिल्म आई थी हंगामा बॉक्स ऑफिस पे उसने हंगामा मचा दिया था मजा आया था कि नहीं तो एक बार फिर से वही मैजिक क्रिएट करने के लिए इसके मेकर्स बना रहे हैं हंगामा 2 और आज अपनी फिल्म को अनाउंस करने के लिए इस फिल्म की पूरी कास्ट यहां पे आ रही है तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में सबसे पहले बुलाना चाहूंगा वेरी ब्यूटीफुल वेरी चार्मिंग वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी कुंद्रा और साथ में हम सबके फेवरेट वर्सेटाइल एक्टर मिस्टर परेश रावल जोरदार तालियां और किसी की सीटी निकल रही हो अभी भी निकल रही है सर्दी का मौसम है ना निकल जाती कभी कभी जोरदार तालियां परेश सर और शिल्पा के लिए परेश सर बहुत बहुत स्वागत है आपका शिल्पा बहुत स्वागत है आपका थैंक यू बहुत बहुत बधाई है आपको हंगामा 2 शुरू हो रही है जी और हम सब लोग अभी तो सिर्फ अनाउंस ही हुआ है और लोग इतना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अभी ट्रेलर आएगा उसके बाद फिल्म आएगी हंगामा तो होने ही वाला है पर आपने तो ऑलरेडी हंगामा किया और हर बार आती हो एक डेढ़ इंच कमी हुई होती है आप नहीं यार बस आपका एक डेढ़ इंच जो है ना बढ़ जाता है तो आपको ऐसे लगता है मेरा कम हुआ थोड़े अर्चना जी को भी टिप्स दे ना थोड़ा सा हाँ अब दो साड़ी का कपड़ा लगता है इनको हम सोच रहे हैं सो भी कितनी प्यारी लग रही है अर्चना जी टू ऑफ यू यू लुकिंग हॉट एक्चुअली आई कांट इवन से क्यूट लुक हूज टॉकिंग फिल्म का शूट शुरू होने से पहले ना शिल्पा ने एक स्टोरी डाली थी इंस्टा पे जिसपे उछल कूद के डांस कर रही थी अब किस बात की ज्यादा खुशी थी कि प्रियदर्शन के साथ आप पहली बार काम कर रही हैं कि पैसे बहुत ज्यादा मिल गए थे What kind of happiness was that? मैं पैसों के लिए नहीं काम करती हाँ, actually, मैं यहाँ पे भी तो आती हूँ फ्री में हमने शूटिंग अभी अभी शुरू की और जो हंगामा हो रहा है हमारे सेट पे ये है हमारे प्रिय पतिदेव राधे राधे श्याम तिवारी ऐसा लगता है प्रोविडेंट फंड सैलरी के साथ मिल गया है हाँ ऑन अ सीरियस नोट ये पिक्चर मेरी तीसरी या चौथी फिल्म है जिनको मैं कभी ना नहीं बोल सकती रतन जी जिन्होंने मुझे इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया बाजीगर धड़कन मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी सारी मेरी हिट फिल्में मुझे भी इंट्रोड्यूस और मैं यहाँ पे इनकी वजह से यहाँ पे बैठे रतन जी रतन के लिए तो प्रोड्यूसर रतन जैन साहब वो भी हमारे बीच मौजूद है सर बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी भी पहली फिल्म जिसको 10.5 करोड़ की ओपनिंग लगी थी वो भी रतन जी ने बनाई थी रतन जी इतने बड़े प्रोड्यूसर हैं सामने बैठे थे चुपचाप चेक शर्ट पहन के लगता किसी बैंक में मैनेजर हैं पर हैं बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं लगता नहीं बस देखो चेक शर्ट पहन के आए हैं वो सोच लो द चेक्स आर मेड फ्रॉम देयर ओनली सर बहुत बहुत स्वागत है आइए परेश जी आइए शिल्पा बहुत बहुत स्वागत है अच्छा परेश सर को आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा स्पेशली अगर प्रियदर्शन सर की फिल्मों की बात करें तो हेरा फेरी हंगामा हलचल मालामाल वीकली अब जाके आपको हिरन मिली वो भी शिल्पा शेट्टी तो आप इस बात में बिलीव करते हैं कि इंतजार का फल मीठा और लंबा होता है फल मीठा बिल्कुल अच्छा एक सवाल अर्चना जी का था कि आप कराटे में ग्रीन बेल्ट हैं जी तो जब आपको ग्रीन बेल्ट दे रहे थे आपने उनको कहा नहीं कोई बेबी पिंक में कुछ दिखाओ मैंने कहा था ना ये सवाल बच्चों वाला मत पूछो आप
मैंने पूछा था ना. दो सवाल थे इनके. हाँ. एक सवाल परेश सर आपके लिए भी था. अच्छा. हाँ. कह रही थी कि आपकी मिसेस स्वरूप जी मिस इंडिया रही हैं और इतनी खूबसूरत इतनी प्यारी एक्ट्रेस हैं, तो जाहिर सी बात है आपको तो वो पसंद आनी थी. लेकिन शुरुआती दौर में आपने सारे गुंडे मवाली वाले रोल किए, उनको आप कैसे पसंद आए सर, ये इनका सवाल था. ये कहता हूँ औरतें बड़ी भोली होती है. लेकिन इनके हस्बैंड का कुछ और ही कहना है. एक्सपीरियंस से बोल रहा है ना. कैसे झेलती हैं आप घर में पतिदेव को झेलना, तो भैया मतलब वो तो कुदरत का वो है, लेकिन इसको झेलना यहाँ पर, आई मस्ट बी पेड वेरी वेल. और हम लोग तो वेट करते ना कि हमारी पेमेंट आ गई, ये नहीं आई, ये सीधा गर्दन से पकड़ती हैं बंदे को. ये चैनल वाला बंदा बैठा हुआ ब्लैक शर्ट में. हाँ. इसके कॉलर लगा हुआ था एक महीने तक यहाँ पे. जब कॉलर लगा तो दूसरी बार चेक मांगने ही कॉलर लगा हुआ था. कहता मैडम मेरे कॉलर लगा. कहती कोई बात नहीं, दाढ़ी से खींच लिया. राज की बात बताऊं, राज कुंद्रा की बात बताऊं. उन्होंने ना शिल्पा का नाम बीबीसी भी रखा हुआ है. हाँ, फुल फॉर्म बॉर्न बिफोर कंप्यूटर्स, क्योंकि anything to do with technology मैं बहुत खराब हूँ. अरे पर Instagram पे तो you're like flying. वो technology थोड़ी है that. Insta अभी आपने TikTok नहीं देखा इनका. अच्छा. हाँ, लेकिन that's not, it's not something major. जो challenge जब वो file आता है, जब बच्चे के school में से homework भी आजकल यार email पे भेजते हैं. और फिर वेरा क्रॉस में जाना पड़ता है, फिर कुछ और डाउनलोड करना पड़ता है, चार फाइल डाउनलोड कर, मतलब तो ये चीज ही मैंने पहली बार सुनी. हाँ. कि बच्चे का होमवर्क ईमेल पे आता है. हाँ. तो बाप का ईमेल आईडी ना हो तो वैसे हम लोग. वाह. परेश सर मैडम ने आपका भी कोई निकनेम रखा हुआ है? वो क्या होता है सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग. अगर कुछ काम निकलवाना हो तो अरे सुनिए, अगर काम कुछ करवाना तो सुन. शिल्पा आपके बारे में एक बात सुनी कि जो आपको इंग्लिश के अलावा गुजराती, तमिल, तेलुगु काफी सारी लैंग्वेजेस आती हैं, ये बात सही है? हम पूछना चाहते, कभी पूछा नहीं एक्चुअली. नहीं नहीं नहीं, इतनी सारी तो नहीं आती, मैं समझ लेती हूँ. बॉम्बे में रह के मेरा पूरा स्टाफ जो है महाराष्ट्रियन है. अच्छा जी. मैं तुलु बोलती हूँ, इंग्लिश तो स्कूल में पढ़ाया जाता है, हिंदी में सीखने की कोशिश कर रही हूँ. हमारे चलते फिरते जो शब्दकोश है हमारे सेट पे, आशुतोष जी. जी जी जी. हाँ, तो हमारा एक कुछ कॉम्पिटिशन वार्तालाप जो हमारी हमारे बीच में होती है वो बड़े मजेदार होती है. आपको पता है अर्चना जी को तो फ्रेंच भी आती है, लैंग्वेज नहीं दाढ़ी. पर ये बात मैंने दिल से नहीं बनाई, इनकी वाइफ ने मुझे बताया था, सॉरी इनके हस्बैंड ने बताया था. ओके, ये बात खत्म करते हैं यार. अब वक्त है फिल्म हंगामा 2 में दूसरे अहम किरदार निभा रहे कलाकारों को यहाँ पे बुलाने का. प्लीज वेलकम मिस्टर मिजान जाफरी, परनीता सुभाष, मिस्टर आशुतोष राणा, मिस्टर राजपाल यादव, मिस्टर मनोज जोशी एंड मिस्टर रमन त्रिखा. जोरदार तालियां. वेलकम. एक बार जोरदार तालियां हंगामा 2 की सुपर टैलेंटेड कास्ट के लिए. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे. प्रणीता बहुत बहुत स्वागत है, आप पहली बार आपसे मुलाकात हुई है. सेम यार, थैंक यू. थैंक्स. फिल्म हंगामा 2 से आप डेब्यू कर रही हैं. एक्चुअली मुझे और खुशी हो रही है कि कपिल शो में डेब्यू कर रही हूँ. वाह. सो रियली रियली एक्साइटेड टुडे. प्रणीता वेयर आर यू फ्रॉम बेसिकली? बैंगलोर. कर्नाटका. कर्नाटका. बैंगलोर. बैंगलोर. आई लाइक बैंगलोर वेरी मच. वैसे दीपिका भी बैंगलोर से ही है ना. ये आती ब्यूटी बैंगलोर से. मैं और राजपाल भाई कानपुर अमृतसर. मिजान जाफरी को आप सब पहले मिल चुके हैं हमारे शो में. yeah. और ये फिल्म में लीड रोल कर रहे हैं. मिजान बहुत बहुत मुबारक हो. थैंक यू सर.
मिजान के पापा जावेद जाफरी साहब बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं, बहुत कमाल के कलाकार हैं, और इनके दादाजी लेजेंड हैं जगदीप साहब, जोरदार तालियां उनके लिए। तो कॉमेडी तो आपके परिवार में मतलब खून में ही है, तो जब आप कॉमेडी फिल्मों के लिए जाते हैं ऑडिशन देते हैं या स्टाफ बोल के घुस जाते हैं? नहीं, बट ये एक्चुअली पहली फिल्म है जो कॉमेडी फिल्म है जो मुझे ऑफर हुई, एंड आई थिंक प्रियं सर और रतन जी ने मेरा काम देखा था मलाल में और उसके हिसाब से उन्होंने मुझे ये फिल्म दी है। सो यू नो मेरे आई थिंक उन्हें मेरी एक्टिंग पसंद आ गई मेरी पहली फिल्म में, एंड उस वजह से उन्होंने ये फिल्म दी है। सो मैं, मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती है, एंड इट्स अ प्रिया दर्शन फिल्म, एंड इट्स हंगामा 2, एंड इट्स रतन जैन, एंड वी हैव परेश सर एंड राजपाल सर एंड शिल्पा मैम एंड ऑल ऑफ दीस पीपल। सो यू नो मैं, एंड यू आर इन द कपिल शर्मा शो, एंड आई एम इन द कपिल शर्मा शो। अच्छा मैं आपको बात बताऊं, शिल्पा का एक गाना था चुरा के दिल मेरा गुरिया चली, कितने साल, 20-25 साल हो गए होंगे उसको? 25 साल के आसपास हो गए, 24-25 है ना। अब वो गाने को दोबारा रिक्रिएट किया गया है जिसमें मिजान जो है वो डांस कर रहे हैं शिल्पा शेट्टी के साथ। बताइए, मुबारक हो आपको। मुबारक मुझे। हाँ, आप क्यों तो मुबारक नहीं, आप तो मतलब मैं क्या बोलता हूँ, लोगों के बच्चे पैदा होके बड़े भी हो गए, ये वैसी की वैसी है। मिजान बोलता ये बात आपको बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब चुरा के दिल मेरा रिलीज हुई थी या मैं खिलाड़ी तोरा डी रिलीज हुई थी, तो ये पैदा भी नहीं हुए थे। हाँ, एक्चुअली ये पापा के दिमाग में ही थे अभी तक। और इस गाने में परेश जी भी है। अच्छा, बहुत। हाँ हाँ, परेश आप डांस कर रहे हो यार, ऐसी वाइफ हो तो कोई भी पति नाचेगा। पर मिजान आपको पता, आपने जो शिल्पा शेट्टी के साथ डांस किया जी, आपकी इस हरकत से काफी आर्टिस्ट जो हैं वो हर्ट हुए हैं। क्यों? जैसे आशुतोष राणा साहब, मनोज जी। हाँ, आशुतोष राणा सर ने मनोज सर के बाल नोचे गुस्से में। आशुतोष सर, वैसे आपको क्या लगता है, इन फ्यूचर आप किस हीरोइन के साथ काम करना चाहेंगे एज ए आपकी प्रेमिका या आपकी हीरोइन? हम और प्राचीन काल में चले जाएंगे। हम रेखा जी को पसंद करेंगे। अच्छा, रतन जी अंदर अंदर सोच रहे, रेखा जी के साथ तो मैं आना चाहता हूँ। आप सबको बता दूं कि मनोज सर के साथ मुझे काम करने का सौभाग्य मिला है। मैंने फिल्म की थी, रतन जी ने प्रोड्यूस करी थी, किस किस को प्यार करूं, उसमें ये मेरी गर्लफ्रेंड के बाप बने थे। अच्छा, इसमें भी लड़की के बाप बने हैं। सर, हीरोइन आपको कभी मिली कि खाली बाप ही बनने हैं? बचपन से ही मैं चरित्र अभिनेता हूँ। बहुत इच्छा बहुत थी, बट चांस नहीं मिला। किस हीरोइन के साथ काम करने की ज्यादा इच्छा थी आपकी? सारी। ओह, मनोज जी आप तो भरे पड़े हैं। अच्छा, आपने एक बात नोटिस की है, प्रियदर्शन सर की जितनी फिल्में होती हैं, राजपाल भाई हर फिल्म में होते हैं। हाँ। आपके पास उनका कोई वीडियो है? नहीं, माशाल्लाह बहुत कमाल के एक्टर हैं। बहुत ही डेंजरस। ये मेरे पास पता नहीं क्या है, लेकिन प्रियं जी ने जब पहली बार बुलाया था, ये मनोज जी गवाह है, वैसे पहली फिल्म थी, हम लोग डरे डरे खड़े थे। अच्छा जी। और बुलाए तो राजपाल कम या, और सीधे चर 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 सब कपड़े फाड़ दिए। अच्छा। और बोले कि रन लाइक, जैसे वो शोएब दौड़ता है बॉल लेने, विकेट लेने के बाद, तो मैं ऐसे ऐसे दौड़ रहा था और मुझे ये लग रहा था कि ये मुझसे कैरेक्टर करवा रहा है कि आप मेरी परीक्षा ले रहा है कि मैं दौड़ सकता हूँ कि नहीं। लेकिन वो तब से वीडियो एक दूसरे के दिल में ऐसे छपा, तो उसके बाद में एक दूसरे को छोड़ ही नहीं पाए। क्या बात। रमन त्रिखा, इन्होंने बहुत ही कम उम्र में काम करना शुरू कर दिया था, टीवी सीरियल्स किए, मुंबई आके फिल्में करी, साउथ में जाके भी बहुत नाम कमाया, काफी अवार्ड्स मिले। हंगामा 2 जब आप साइन कर रहे थे, आपने सोचा था कि आपको डायरेक्ट मुझे देखने का मौका मिलेगा? सर, ये आपने सही सवाल किया,
ये मेरे को कल तक नहीं मालूम था कि मैं कपिल शर्मा के शो पे आ रहा हूँ. इट इज अ बिग सरप्राइज. एंड तो आज कैसे, मतलब सब आ रहे थे तो बीच में आप भी आ गए. हाँ, मैंने कहा चलो कास्ट आ रही है, मैं भी एक हिस्सा बन के चलता हूँ. पर सर बहुत बहुत मुबारक आप सबको, क्योंकि इतनी मजेदार टीम बनी है. और प्रियन सर ऑफकोर्स मतलब कहने की बात नहीं, और रतन सर प्रोड्यूसर है, तो ये हंगामा ही होगा. बहुत बहुत बधाई सर आपको एडवांस में. कपिल जी, जी आपने पूछा नहीं कि आज के दिन हम क्यों आए. हाँ एक्चुअली, तो इसके बारे में आशुतोष जी जो है वो वर्णन करेंगे. ये कमाल का संजोग है जी कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर हम पहली बार हंगामा शुरू कर रहे हैं और स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हम प्रदर्शन करेंगे. क्या बात है. एक मिनट, इसने मना करना, इसने कहना पुआ इतने ज्यादा पैसे ले पुत्र 21 रुपए शगुन. ओहो पैरी पहन, आ पैरी अच्छी तरह पैरी पहन ना पुत्र, इतने पैसे में इतना ही मिलेगा. बुआ इतनी बड़ी हीरोइन है, सिर्फ 21 रुपए शगुन. हाँ तो क्या मुकेश का अंबानी दे दू. इतनी बड़ी शुक्र कर, पुआ तो आने वाले गेस्टों के पर्स चोरी कर लेती है, पुआ ने 21 रुपए दिए. और वो तो कुंदरू कैसा है, उसका तो काम में ध्यान नहीं लगता होगा. क्यों क्यों का, जिसकी इतनी कड़क बीवी उसका काम में क्या ध्यान लगेगा. भाजी मैं तो यही कहती हूँ कि सबको मेरे कुंदरू जैसा पति मिले. कुंदरू कुंदरू क्या लगा रखा तुमने, कुंदरू क्या मतलब होता है. राजकुंद्रा नाम ले उनका, इतने बड़े बिजनेसमैन है. कुंदरू कुंदरू इतने बड़े बिजनेसमैन अब नहीं बने, वो जब इतना सा था तब भी बिजनेसमैन था. कैसे, अर्चना पेंजी एक डायपर पहन लेता था, ओहो जब तक चार बार सुसु नहीं कर लेता था ना डायपर उतारता ही नहीं था. जितना भारी डायपर हो जाता था ऐसे ऐसे करता. करने के आई थी यहाँ पे? मैं कुछ नहीं करने आई थी, मैं छत पे कपड़े उतार रही थी. मैंने देखा वो भीड़ लगी पड़ी है, मैंने कहा चलो हाय हेलो कर लेते हैं ना, लेके एक बंदा एक कपड़ा पकड़ेगा तय हो जाएगा. लो जी लो. चल मेरी तू तो बहू रानी है ना, ये तो नई लड़की आई है, इसको काम थोड़ी कराना पहली बार. कपड़े तय लगा दे मेरे. इतनी बड़ी एक्ट्रेस वो तेरे कपड़े तय करेगी. तो क्या इतनी बड़ी एक्ट्रेस तो डायरेक्टर तय लगवा दू. काम करना चाहिए घर का. पुत्र इसको पता कैसे फोल्ड करना, जैसे तू योगा में टांग वांग करके इतनी सी बन जाती ना अपने आप को फोल्ड करके, वैसे ही करने है. ऐ कौन है भाई कप्पू, मेरे को ना एकदम जावेद जाफरी की झलक दिख रही है इसमें. तो देखेगी ना उनका बेटा है. मैं मर गई, अपने जफरू का बेटा. किधर है किधर है, मोया बेटा तो पुआ के पैर हथला है. मेरा पुत्र नहीं है, मेरा जबरू है, मेरा पुत्र का पुत्र है. पुत्र पापा को ना घर जाके कहना है, लेकिन मम्मी दूर हो तब कहना कान में, कहना पापा कम्मो बुआ मिली थी, वो कह रही थी कि बुगी बुगी वो समझ जाएंगे. बच्चा नया नया इंडस्ट्री में, परेशान कर रही फालतू में. अच्छा जब मैं नहीं नहीं आई थी तो इसके पापा ने भी बड़ा परेशान किया. तो ढंग की बात भी कर लिया कर. वो इसके पापा के साथ कर ली हुई है. सच्ची कह रही हूँ अर्चना बहन जी, जब ये पैदा हुआ था ना इसके पापा ने इसकी मम्मी से चोरी चोरी मुझे फोटो भेजी थी. कहते कम्मो देख हमारा बच्चा बड़ा होके एक्टर बन पाएगा. मैंने उसी वक्त मैसेज कर दिया, मैं क्या जफरू अपना बच्चा बड़ा हो गया देखिए हंगामा करेगा, देखो आज कर रहा है. देखो चलो मुझे भेजा जाके. साइजा इज गोइंग टू बी माइटी अपसेट. मेरा राजपाल आया है, मेरा बच्चा. ओ
में ठंड पड़ेगी। आए इतने क्यूट रहे, जब इतने से होते थे, अभी चलो इतने ही है। इतने क्यूट होते थे ना, पुआ 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 गाउन खींचते रहते थे। आए लेकिन पुत्र एक बात बताऊं, आज भी बड़ा क्यूट है। आज भी इसके कंधों पे ना स्कूल का बैग टांग दो तो ऐसे लगता आठवीं का बच्चा पेपर देने जा रहा है। कमाल है पुत्र, तेरी फिल्में मैंने देखी है, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। ये एक्टरों का सचिन तेंदुलकर है, तालियां बजाओ भाई। हाँ मन्नू, क्या है तालियां मार रहे हो? बाल उतार लिए तो इसका मतलब कम पहचाने की नहीं है? हाउस था जोशी आई ना। हाय अर्चना जी, मेरे इतने बॉयफ्रेंड रहे हैं लेकिन सबसे ज्यादा नाटक इसके थे। क्यों क्यों, क्या थिएटर से है तो इनके बहुत सारे नाटक थे। आशु कैसे मेरा बच्चा, चल पू आ जाती है तो बड़ा बंदा हो गया। कैसे आशु और कमाल, अभी मजा आ गया मिलके। ये इतने अच्छे एक्टर है, मैं फैन हूँ। जब मैंने फिल्म देखी ना आशु तुम्हारी, मेरे को दो तीन उल्टी आ गई। बंदे ने पता नहीं कैसे कर लिया है, मतलब क्या आपने एक्टिंग की, क्या करेक्टर पकड़ा। आज भी अर्चना मर्द से अच्छी लेडीज नहीं बन पाती, आप कमाल कर दिया, मजा आ गया सच्ची का। लेकिन और कोई है तो रहता है? हाय हेलो, इधर देख परेश जी बैठे तेरे बगल में। मैंने तो परेश जी आते ही देख लिए थे बैठे हुए। मैंने नहीं इनसे बात करनी, मैं नाराज हूँ। क्यों? इतने बड़े मंत्री बन गए, गड्डी में लाल बत्ती लगवा ली है, लेकिन बुआ की मांग में लाल सिंदूर नहीं लगाया। बुआ क्या ये फालतू की बात है? ये क्या फालतू की बात है, कोई बकवास नहीं कर रही पुत्र। इतनी इन्होंने अपनी पार्टी की रैलियां नहीं निकाली जितनी बुआ के हाथ में हाथ पकड़ के गलियों में गेड़ियां निकाली है। जी इन्होंने मुझे इतने फाफड़े खिलाए हैं ना, तभी तो आज ढोकले जैसी हो गई हूँ। तुआ तेरा हो गया? नहीं बुतिक रहता है। सच्ची कह रही हूँ, ये कहते हैं ना इन्हें उधर कि वो कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, बच्चन साहब कहते नहीं, वो भी ऐड इन्होंने करवाई है। अच्छा? क्योंकि जब मेरा और इनका ब्रेकअप हुआ ना, इनका मन सुना सुना हो गया था, पूरा गुजरात सुना सुना हो गया था। हर किसी को हाथ पकड़ के कहते थे कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। परेश जी के बॉडीगार्ड जो आए हैं पांच छह, वो अंदर आ जाओ। ये तो मेरे बड़े भरा जैसे हैं, मजाक भी नहीं कर सकते भाई साहब से, मजाक भी नहीं कर सकते क्या? इतने दिनों बाद आए, कल नहीं बता सकता था आए हुए लोग। मैं चलती हूँ पुत्र, बड़ा काम है मेरे को। क्या लगाए पुत्र? स्वस्थ रहो मस्त रहो। इसे कहते हैं देखो, चाहे बच्ची का एक शोल्डर नहीं है पर कपड़े देखो तय कैसे। दूसरी बच्ची के आए। पुत्र आपसे एक काम है, मुझे मेरा ना अभी 3 तारीख को बर्थडे आने वाला है। हाँ। मैंने सिंपल केक बनाना, आपको बस ऐसे कैंडल बन के खड़े रहना है। आओगे क्या? आओ सुनी, बहुत मत बताइए आपको फिल्म की है, आप भी तो हंगामे हंगामे चल रहे हैं। चलो भी मैं चलती हूँ। ओके मुझसे बाय 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 मेरे कपड़े। चलो चलो चलो। सर कुछ सवाल हैं जनता जनार्दन के, आप सबसे सवाल हैं शिल्पा, तो आपको यस और नो में जवाब देना है जी, और बताना है कि आपने ऐसा किया है या नहीं किया है जी। तो ये आगे आगे बांटते जाइए। एक तरफ नो है, एक तरफ यस है, हो गए पूरे? ओके, आप सबसे सवाल है, बिना इनविटेशन के कभी किसी शादी में घुसे हैं, चाहे सेलिब्रिटी बनने से पहले? परेश जी। परेश सर ये कब की बात है? परेश सर बहुत पहले जब हम थिएटर करते थे, जो अभी थिएटर करता हूँ, लेकिन तब ये जहाँ रिहर्सल करते थे बिरला क्रीड़ा केंद्र। हाँ। अच्छा जी, मफतलाल चरनी रोड पे, तो बाजू में शादियां होती रहती थी, नाटक में काम करते थे, पैसे होते नहीं थे तो वहाँ घुस जाते थे, खाना खा के आ जाते थे। अगर लड़की वाले पूछे तो कहना लड़के वाले पूछे लड़की वाले, अगर दोनों पूछे तो बोलो कैटरर है। राजपाल भाई आप ये सब, जब लखनऊ और दिल्ली में पढ़ता था जी,
तो हमारा एक बैचमेट था मनोहर, वो उसको लगा के रखा हुआ था कि मंडी हाउस में आसपास कनाट प्लेस तक जहाँ तक भी शादी कोई हो तो तेरी ड्यूटी है बताना। और सर रिहर्सल होता था, बहुत थक जाते थे, जितने बेस्ट कपड़े हो सकते थे वो पहनते थे, जाते थे बिल्कुल दूल्हे के पास, हाथ सबसे बिल्कुल नमस्कार नमस्कार नमस्कार, और फिर सीधे खाने में, जब तक लोग पता कर पाते ये कौन तीन लड़के हैं, और बोलते थे कि बोलते थे आपने तो हमें नहीं बुलाया लेकिन हमें खा के बहुत मजा आया। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपका ये टैलेंट, वेरी नाइस। अच्छा दूसरे एक्टर के पैसे पता चल गए हो और आपने बाद में सोचा हो यार इतने मिल सकते थे मैंने कम बोल दिए, कभी ऐसा हुआ है? हर आर्टिस्ट की दुखती रग पर तूने हाथ रख दिया आज। तो मैं नाम नहीं पूछूंगा अभी कब कैसे हुआ था, पर अच्छी बात है। वाह सुपर। होटल में खाना खाने के बाद सौंफ जेब में भर लियो। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली मैंने वो किसी का दिया हुआ टिप उठा लिया हो। ये तो फिर नेक्स्ट लेवल वाली बात होगी ना। आपने उठाई थी? नहीं मैं होटल्स में मुझे चॉकलेट्स होता है वो उठा लेती हूँ रिसेप्शन। कीप इट अप। इसी के साथ हमारे ये सवाल खत्म होते हैं, धन्यवाद। हाय हेलो हाय कैसे आपका भी कंप्लेंट करती हूँ। हेलो सोनी साहब, हाँ उम्मा उम्मा बाद में। अच्छा आपकी जो जज है ना शिल्पा शेट्टी जी, हाँ वो कुछ लोगों को जमा करके इधर हंगामा कर रही ली। सपना वो फिल्म की प्रमोशन के लिए आए हैं। हाँ मैं, हेलो सर, मैं आप लोग का पिक्चर का ट्रेलर देखी, मेरे को बहुत मस्त लगा। अभी तो ट्रेलर आया भी नहीं है, तूने कहाँ से देख लिया? आया नहीं, नहीं। सॉरी सर, वो क्या है ना मैं आते ना पहला लाइन यही बोलती ताकि गेस्ट लोग खुश हो जाए मेरे। नहीं के पिक्चर का प्रोमो अभी तो शूटिंग शुरू हुई है। माय गॉड पिक्चर चालू है तो 9 लोग आए लिए। जब पिक्चर खत्म होगा तो पूरा का पूरा गांव लेकर आएंगे। प्रोड्यूसर साहब भी आया सामने। अरे रतन टाटा। रतन जैन, मेरे को मालूम है जैन है, मैं बोल रही रतन टाटा, मेरा हाय बोलने के। शिल्पा जी आप मुंबई से है ना? हाँ। आप भी मुंबई से, परेश रावल जी मनोज जी गुजरात से, आशुतोष राणा जी आप यूपी से, नहीं एमपी से, मुझको राणा जी माफ करना गलती मारी से। मैं लेकिन दिल से एक बात बोलती है, आज परेश रावल जी आए और आशुतोष राणा जी आए और मनोज जी आए ना तो अर्चना जी बहुत खुश होगी। क्यों? हाँ कह रही थी आज मेरे टाइम का माल आए। आज का मस्त तैयार हो क्या मालूम है? ईंट से रगड़ रगड़ के खुद को घसे ले। नहीं नहीं मैं सच्ची बोलती, आप लोग का जो फोटो है ना वो भी इन्होंने अपने पर्स में रखे ले। अच्छा? पर्स में फोटो तो जेंट्स लोग रखते हैं। हाँ तो जेंट्स पर्स ही यूज करती है वो। पर्स में आप इनका पर्स खोलेंगे ना उसमें पेपर्स हो, ट्रक का लाइसेंस, टिकली, यही सब मिलेगा। ट्रक का लाइसेंस, ट्रक का लाइसेंस। हाँ अच्छा, हाँ डिल्लो ट्रांसपोर्ट में ड्राइवर भी है। शिल्पा जी आप अपना वो संडे भिंज क्या बोल रहे हो? संडे भिंज। भिंज जी, भिंज आइए, भिंज कह रहे तेरे कप्पू। अरे भिंज जो मतलब कम थोड़ा थोड़ा खाते हैं और कभी कभी चीट करते हैं, जैसे संडे को कुछ हैवी खा लिया तो उससे भिंज कहते हैं। पति पे नहीं, खाने के साथ।
लेकिन हाँ। कितने सालों से आप काम करे, इतना टीवी करते, इतना पैसा कमाए लाए, राज्य का भी इतना बड़ा बिजनेस है आपका, हाँ। तो फिर चीट करके क्यों खाते, इतने बड़े लोग हैं आप लोग। बड़ी बातें कर रही है, उनके घर पे गई है तू कभी? मैं गई है ना शिल्पा जी के घर पे एक बार। अच्छा? मैं सीधा किचन में गया रहता हूँ ये घर में। अच्छा? उधर ना इनका नौकर खाना बना रहा था और ऐसा बगल में बड़ा सा सीढ़ी था। क्यों? तो मैं बोला सीढ़ी कैसे लगाए, बोलता मैं जब बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ ना तो ये सीढ़ी पे चढ़ के बोलती है सुपर से ऊपर। हाय कैसे है आप? आप एनएसडी से है ना? हाँ। मैं भी रोज एनएसडी जाती है। अच्छा? नाला सोपारा से दादर। ये हमारे दोस्त हैं, इनके लिए राजपाल जी के लिए सबसे पहले जोरदार ताली हो जाए। बहुत अच्छा। कोई एनएसडी से आता है, कोई किधर से आता है, ये पहले आर्टिस्ट है जो जंगल से आए ले मैं। जंगल से मतलब? जंगल पिक्चर नहीं देखा क्या तूने उनका? की बात कर रही है मैं। वो हमारे गेस्ट से उनको खाने को तो पूछ, बेचारे जंगल से आए ले। सर क्या लेंगे आप, गुलाब जामुन, रसगुल्ला के गोरिल्ला? मंगल। अच्छा मंगल को आप जानते हैं क्या? हाँ जंगल में ही तो मंगल रहता है। मंगल रहता है। और मेरी जान। कैसे मेरी जान? मेरी जान नहीं मिजान। कोई बात नहीं, लड़की उसको मेरी जान ही बोलती है। कितना हैंडसम है, मस्त है, बहुत अच्छा काम करते हैं आप। थैंक यू। ऐसा कोई टेंशन नहीं लेने का, दिल में मलाल होगा ना तो मेरे को फोन करने का, मैं आपका ऐसा मैसेज करके सब मलाल निकाल देगी। कोई टेंशन नहीं। अरे वाह, हाय रमन त्रिका, आपको पटाने का कौन कौन सा तरीका है बताओ मेरे। अभी सर के बारे में क्या बोलेंगे, स्टेज बोलो, फिल्म बोलो, परेश रावल जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। क्या बात है, क्या मस्त सर। आपने एक पिक्चर खेला था ना, वो अतिथि तुम कब जाओगे? सर इधर एक है कोई। कब से हम लोग लगे अतिथि कब जाओगे, कब जाओगे सिद्धू जी, कब आओगे, कब आओगे। अतिथि जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। खैर जो भी, अपना धंधे का बात करती सर। परेश जी, मैम, शिल्पा जी, आई हैव ब्यूटी पार्लर हियर सर। आई नो। हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज रहते हैं, तो आपके लिए स्पेशल मसाज है बाजीगर मसाज। इसमें क्या होता है? इसमें क्या करते हैं सर, हम कस्टमर को तेल लगाते हैं और टेरेस के ऊपर लेके जाते हैं। और टेरेस पे उसको खड़ा करते हैं। फिर हम, मैं उसको बोलते है 1 करोड़ रुपया दे मेरे को, तो नहीं देता तो ऐसा रहता है हम लोग को। फिर हमारे पास एक आपने पिक्चर खेला था डू नॉट डिस्टर्ब जी, तो डू नॉट डिस्टर्ब मसाज है हम लोग के पास। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें क्या करते हैं हम लोग सर, पहले कस्टमर को तेल लगाते हैं, फिर बोल आगे। बोला ना डू नॉट डिस्टर्ब मसाज है, डिस्टर्ब करता है। फिर आप सब लोगों ने पिक्चर खेला था दे दनादन, तो दे दनादन मसाज है हम लोग के पास। वाह, उसमें क्या है? उसमें सर हम लोग कस्टमर को लिटाते लेकिन तेल हम हॉकी को लगाते। फिर दे दनादन, दे दनादन उसके मसाज करते हम लोग, ऐसा रहता है हम लोग। फिर परेश रावल जी ने मस्त पिक्चर खेला था बागबान, हमारे पास बागबान मसाज। उसमें क्या होता? ये सब सीनियर सिटीजन लोग के लिए। अच्छा। कोई भी सीनियर सिटीजन आते हैं, हम उनका बहुत इज्जत करते हैं, उनको लिटाते, उनको तेल लगाते, लेकिन मसाज नहीं करते। क्यों? हम उनके घर में जाते और उनके बच्चे लोग को बोलते तेरा माँ बाप ने तेरे को पाल पोस के इतना बड़ा किया, तू उनका मसाज नहीं कर सकता, हमारे पास मसाज करने के लिए आते वो लोग।
सर सिर्फ मसाज ही नहीं, मैं मैसेज भी देती अपने माँ बाप की इज्जत करो, उनका रोज मसाज करने का तुम लोग को घर में बैठती है। वाह वाह वाह, मेरा मूड बदल गया, मैं जा रही हूँ। अरे सपना जी एक मिनट। अरे सर मेरे को ना बहुत जल्दी है सर, मेरी फ्रेंड है ना प्रिया, उसको दर्शन कराने के लिए जाने का मेरे। अच्छा अरे ए राजपाल, अरे क्या हो गया? अरे रमन, रमन क्या हुआ? नो नो नो, चलो भैया आज का कार्डियो हो गया। ये है हंगामा शॉप चैलेंज, जो सबसे अच्छी कतार बनाएगा, कॉम्बिनेशन बिठाएगा, वो हंगामा टू टीम से मिल पाएगा। शॉक लगा। अच्छा इस फिल्म में जैसे मैंने पहले बताया कि परेश सर को हीरोइन बहुत सालों बाद मिलती है, तो ये तो रही फिल्म की बात, तो मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है, आपके क्या विचार हैं कि शादी जल्दी कर लेने में भलाई है या लेट करनी चाहिए तो अच्छा रहता है। आप अपने अपने विचार खुल के सामने रख सकते हैं, इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री। आ भाई साहब जी। हेलो एवरीवन। हेलो सर, मेरा नाम विक्रम जैन है। विक्रम जैन, रतन जी आपके रिश्तेदार। विक्रम जी कहाँ से हैं आप? कहते काश होता मेरे देश, सबकी नजर आपके पैसे पे। तो विक्रम जी कहाँ से आए आप? मैं इंदौर में रहता हूँ, यहाँ मुंबई में जॉब करने के लिए यहाँ आया हूँ। अच्छा जी, जॉब करके वापस चले जाते हैं कि रुकते हैं रात को? यहीं पर ही रहता हूँ। अच्छा जी, तो क्या आपका क्या विचार है आपके विक्रम जी? जी मुझे ऐसा लगता है कि इतना स्ट्रेसफुल लाइफ हो गया है, आजकल हेयर फॉल भी बहुत ज्यादा होता है, हाँ जब तक बाल बच्चे यदि इन बाल के जाने से पहले हो जाए तो वो काफी अच्छा है। आपकी शादी कितनी उम्र में हो गई थी? 25 साल, 25 years। That's only only। आपको लगता है जल्दी हुई है कि लेट हुई है? Adequate ठीक है 25 की उम्र में ना? ठीक है हाँ। अदरवाइज ऑल्सो हम लोग ऑफिस में इतना स्ट्रेसफुल वर्क कर रहे होते हैं, घर कुछ मोटिवेशन ही नहीं होता है कि घर जाएंगे तो कुछ फोकस होना चाहिए घर पे कि okay, somebody is ready। मोटिवेशन से आपका अभिप्राय क्या है? घर पे कुछ होना चाहिए कि घर जाना है, घर पे कोई somebody is waiting at home, अदरवाइज तो वेटिंग तो घर पे माँ बाप भी तो वेट कर रहे होते हैं। वेटिंग मोटिवेशन किन चीजों के नाम रखे हैं आपने? माता पिता भी वेट करते हैं पर वो भी कुछ एक अलग वेट होता है। वो नहीं वेट करते, वो कहते लेट ही आए तब तक हम तो अपना एंजॉय कर रहे हैं। शुक्रिया आपके विचार रखने के लिए, धन्यवाद विक्रम जी। और कोई हमारे दोस्त मित्र अपना? जी भाई साहब हाँ, अभी तजर्बा बोलेगा। नमस्कार सर। नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विक्रम जोशी है। अच्छा जी जोशी साहब, आप रिश्तेदार लिख के हैं मेरे कोई नहीं। जी विक्रम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। या थैंक यू वेरी मच। या मेरा ओपिनियन था कि शादी लेट हो या जल्दी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है एक्चुअली। क्यों? जो एंगेजमेंट और शादी का पीरियड है उसमें थोड़ा ज्यादा गैप होना चाहिए, मिनिमम 2 years का एक्चुअली। क्यों? क्यों? एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है एक्चुअली। क्या समझना चाहते हैं उनकी क्या पसंद? देखो सिलेक्शन विलेक्शन तो फोटो देख के हो ही जाता है, मेरे को पता है तो बराबर है, बट उनका पसंद ना पसंद मतलब नेचर क्या है, उनका शांत स्वभाव है उग्र स्वभाव है वो पता चलता है एग्जैक्टली ऐसा है। मुझे लगता नहीं है कोई जानबूझ के अपना स्वभाव दिखाता है, तो उस समय शादी से पहले तो सब जहलो जी ये सब होता है। तो मैंने बोला पीरियड सर मिनिमम 2 साल का होना चाहिए, तो इसमें पता चल जाता है अपने को। जिन्होंने नहीं पता लगने देना वो 2 साल का 10 साल में भी नहीं पता लगने देते, ऑप्शन खुले हुए हैं। फेरे सातवां फेरा होते ही दिखाती है फिर वो, तो ऐसा होता है। चलिए कहाँ से आए आप? मैं मुंबई में रहता हूँ। अच्छा, मेरा नेटिव प्लेस राजस्थान है। अच्छा जी, आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम डूइंग माय ओन प्रैक्टिस। अच्छा जी, नहीं क्लाइंट तो होंगे कि खुद ही प्रैक्टिस करते रहते हैं? पैसा तो खूब छापते होंगे ना आप? जैसे नया नया GST आया था लोगों को समझ नहीं आया, सबसे ज्यादा फायदा CA लोगों को हुआ।
और सब जोशी साहब ठीक है? बस बस बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए सर। थैंक यू वेरी मच। या और कोई हमारे दोस्त जो अपने विचार रखना चाहते हो? जी हाय, हेलो एवरीवन। हेलो, मेरा नाम अमृता भारती है और मैं बिहार से आई हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुझे लगता है कि शादी जो होती है ना वो लेट ही होनी चाहिए, क्योंकि शादी के बाद ऐसा फील आता है, ऐसा देख के लगता है कि यार मुझे ये कर लेना चाहिए था, अगर कर लिया होता तो अफसोस नहीं आते। और बाद में अगर कोई दूसरा पसंद हो, जैसे मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं दूसरा पसंद हो गया सर बाद में मेरे पापा, पहले मैं बोल के रखी थी मुझे तो लव मैरिज ही करनी है। अच्छा जी। लेकिन मम्मी ने बोला कि अरे अभी से स्टार्ट करेंगे, जरूरी थोड़े कि अभी शादी हो जाएगी तेरी। लेकिन कोइंसिडेंस की हो गई, जल्दी हो गई मेरी शादी। मेरे हस्बैंड ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे, लेकिन सडेल नहीं। ऐसा होता है कि कोई और अच्छा लग गया बाद में। आप अभी भी शादीशुदा हैं? हाँ। मैं हूँ, मेरी बेबी। आपके आपके पति इस शो को देखने वाले हैं? हाँ। आपके पति भी मैरिड हैं? तो बोलते हैं कि अरे मैं तो 2 लाख दूंगा, भाग जाओ अगर मिलता है कोई, लेकिन मैं 2 लाख दूंगा, भाग जाओ। परेश जी के एक्सप्रेशन देखो, विचार सुनकर जरा हैरान तो हो रहे होंगे आप। कुल मिला के मैडम भटकने में विश्वास रखती है। पहले भटक लो और भटकने के बाद अटको, ऐसा ताकि बाद में ना भटको, डाइवोर्स ना हो। हाँ, क्योंकि शादी लेट हो तो पहले बिगड़ता है आदमी, और शादी बाद में हो तो फिर बाद में बिगड़ता है। तो शादी ही ना करो फिर। हाँ, है ना? नहीं नहीं, वो तो जरूरी है, वो कर लो। नहीं नहीं मैम, अर्चना जी, मैम, मैम, उसके लिए ये है कि कोई भी रिश्ता बनाने के पहले पूरी आंखें खुली रखिए, और बन जाने के बाद आधी आंखें बंद कर लीजिए। बहुत खूब, बहुत खूब। तो इसलिए इसलिए जो आपको मिला है उसमें संतोष धारण करें देवी। बहुत अच्छा लगा। मैं तो वो सोच रहा हूँ भाई साहब का क्या होता होगा। कुछ नहीं होता, वो भी यही सोचते होंगे। वो भी यही सोचते। पर बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में आने के लिए। शुक्रिया। तो ये अफवाहें होती हैं जो फिल्म स्टार्स के बारे में, एक्टर्स के बारे में उड़ती हैं मार्केट में, तो हम लोग कंफर्म करते हैं अपने शो में। तो मैं शुरुआत करूंगा शिल्पा जी आपसे। शिल्पा, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपकी हाइट अभी भी बढ़ रही है, हर साल 1 इंच बढ़ती है। इज इट फैक्ट? है, फैक्ट। चलते हैं आप। हाँ। ओके, तो ये अफवाह है। परेश सर, आपके बारे में भी एक अफवाह है कि फिल्म हेरा फेरी की तर्ज पे ही आप आज भी पिज्जा ऑर्डर करके छुप जाते हैं, और आधे घंटे बाद आते हैं और फ्री में मांगते हैं। सर, ये बच्चों के सवाल थे सर, ये अफवाह है, मतलब ये सही है? प्रोड्यूसर के लिए। आज तो सर आपके बारे में ये अफवाह है कि आपके घर की बेल भी ऐसे ही बजती है, ऐसे। आईडिया अच्छा है। अफवाह है कि सच्चा सर ये? नहीं, अफवाह है। ये नहीं अच्छा। मिजान, आपके बारे में ये अफवाह कि जब कोई सुंदर लड़की आपको आवाज देती है तो आपको मिजान नहीं माई जान सुनता है। इस उम्र में होता ही। रमन, आप एक मॉडल भी हैं, तो अफवाह ये है कि आप जब भी कोई अंडरगारमेंट्स की मॉडलिंग करती हैं तो एड के बाद ऊपर से अपनी पैंट पहन के निकल जाते हैं। नहीं सर, ये अफवाह है। अफवाह है। राजपाल सर, आपके बारे में ये अफवाह है कि आप और बच्चन साहब साथ में एक फिल्म कर रहे थे, एक रिश्ता, तब आपका पैंट 4 इंच लंबा आ गया था एक शॉट में। बाद में पता चला वो बच्चन साहब की निक्कर थी। काश ये अफवाह ना होती। आशुतोष सर, आपके बारे में ये अफवाह है कि आप बचपन में इंग्लिश फिल्में बहुत देखते थे, इसलिए आपकी आंखें बड़ी हो गई। हॉरर फिल्में। मनोज सर, आपके बारे में ये अफवाह है कि बचपन में आपको पढ़ने का इतना शौक था कि एक एक क्लास आपने 2-2 साल में की है।
बहुत शौक था और ये बात सच है. देख लो सारी अफवाहें हमारी गलत थोड़ी होती हैं. नहीं नहीं सच है सच है. अच्छा आज तक छिपा के रखा. मुझे लग रहा था बहुत पढ़े लिखे आदमी के साथ बैठा हूँ. तो सर आपके बारे में फायदा कि कोई भी पॉलिटिशियन हिंदुस्तान में राम राज्य नहीं ला पाया लेकिन आप लेके आ रहे हैं. ये सत्य है. फरवरी में राम राज्य नाम की मेरी एक किताब आने वाली है. वाह. जो रामायण का इंटरप्रिटेशन है. अरे वाह क्या बात. अपने दृष्टिकोण से बहुत बहुत बधाई सर आपको. एंड ऑल द बेस्ट सर. इसी के साथ ही अफवाहों का सिलसिला समाप्त होता है. धन्यवाद. तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए हंगामा की सारी कास्ट के लिए. और मैं ये बता दूं कि परेश सर को जरूरी काम से जाना है पर फिर भी आप हमारी रिक्वेस्ट पे आए. थैंक यू सो मच परेश सर. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सर. लव यू सर. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू अर्चना. थैंक यू. आइए परेश सर. थैंक यू. आइए सर इस तरफ आइए. आज हमारे साथ सब दिग्गज कलाकार मौजूद हैं तो इस खास मौके पे हमने एक डिबेट रखी है. तो चलिए डिबेट की शुरुआत की जाए. वाह वाह. नमस्कार 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 दोस्तों. नमस्कार. आप सभी का स्वागत है हमारी भैंस में. भैंस मतलब वाली भैंस नहीं. भैंस यानी चर्चा लाइक डिबेट. बहस बहस बहस. तो आप सभी का स्वागत है हमारी बहस में जिसका नाम है बात की खाल. जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आज हमारी इस डिबेट के लिए इस चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है इस तरफ हंगामा 2 की पूरी कास्ट और इस तरफ हमारे साथ मौजूद है सड़क छाप ढाबे से चंदू जो के आए तो हमारे बंधु लेकिन काम करते हैं बहुत ही गंदू. हाँ जी नाम है मेरा चंदू. काम करता हूँ मैं बड़े गंदू. तुम्हारी सूंड में दर्द क्यों होता है मिस्टर झंडू. अफसोस आप किसी को हंसा नहीं पाए. तो चलिए आज की चर्चा हम यहाँ पर शुरू करते हैं. आज की चर्चा जो है शिल्पा जी एवरीबॉडी ये है रियलिटी शोज के बारे में. बेसिकली हम जानना चाहते हैं कि रियलिटी शोज में क्या एक जज की जरूरत है. क्या रियलिटी शोज में जज होने चाहिए. लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें आशुतोष जी आप भी यहाँ पर मौजूद हैं. आप काफी सक्रिय पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं. सक्रिय बातें बातें करते हैं मतलब यू आर नाइस विद पॉलिटिक्स एंड स्टफ. आई जस्ट वॉन्टेड टू नो वन थिंग फ्रॉम यू अगर आपको जानकारी हो. वायरी सिद्धू जी कहाँ है सिद्धू जी. बंद कर तेरी ओए. ओके भाई अर्ज किया है. शिल्पा जी की खूबसूरती और इनका टैलेंट मुझे भाग्या. शिल्पा जी की खूबसूरती और टैलेंट मुझे भाग्या. भाई मैडम को रिक्शा करा दो. नवजोत सिंह सिद्धू आ गया. ठोको ठोको उतरो कुर्सी से उतरो. भाई एक अर्ज किया है. नहीं आप अर्ज बहुत बुरा पिजड़ जा. भाई बारी परसी खटन गया सी. हाँ जी बारी परसी खटन गया सी. खट के ले आंदा गोटा. ओए इतनी सी कुर्सी इतना मोटा. ओ ठोको. अरे ओ ओ ओ ओ वाह 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 भाई वाह. तेरा मुंह इतना पुराना क्यों लग रहा है यार. वाह वाह भाई वाह. हम खुश बहुत हैं सिद्धू रिटर्न्स. बधाई हो एवरीबॉडी. बाजी छागे छागे गुरु छागे. छागे नहीं आ गए गुरु. राणा साहब देखो 1990 में मैं आउट हुआ जीरो पे. बकार यूनुस ने मेरे को आउट किया. मेरे को इतना बुरा नहीं लगा जितना ये लेडी ने चलते शो से मुझे आउट किया. मेरे को बहुत बुरा लगा. मेरे को उतरो यहां से. चलो चलो बाहर. मैं आपके पति को बांध के आया हूं. चलो शांत रहिए थोड़ा शांत रहिए रिलैक्स कीजिए. शांत मैं कैसे रहूं. देखो शिल्पा जी आपके राज कुंद्रा पे कोई बैठ जाए
तो आपको कैसा लगेगा? ऐसे ही मेरी कुर्सी मेरा राजकुंद्रा है और मेरा राजकुंद्रा मेरी कुर्सी। उठो उठो। अरे देखिए देखिए नकली 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 सिद्धू जी, थोड़ा इस हमारी इस बहस की गरिमा बनाए रखिए प्लीज। अच्छा मैं गरिमा बनाऊं? और ये औरत मेरी कुर्सी पे बैठ के फ्लैट पे फ्लैट बना रही, उसका कुछ नहीं। मैं कहता हूं उठो। ओ हुर्रा हुर्रा, बैठ जाइए, डिबेट में पार्टिसिपेट कीजिए, बातें करते हैं, रिलैक्स कीजिए थोड़ा। शिल्पा जी क्या लग रही हैं आप? आपके लिए अर्ज किया है। वाह इशाद, अर्ज किया है कि बात जो आती है दिल पे वो मैं कहता हूँ मुंह पर। बात जो आती है दिल में वो कहता हूँ मुंह पर। लड़कियां और भी बड़ी देखी हैं भाई, तुम हो सुपर से ऊपर, ठोको। मैं क्या मोहतरमा, आप भी बड़ी प्यारी लग रही हैं, आपके लिए मेरी तरफ से किस है? सिद्धू साहब एक शेर मुझे भी आया, मैं बोल लूं। शेर उधर जा करके आ। नहीं एक शेर शिल्पा जी पर। पतझड़ में कभी ना कभी फूल जरूर खिलेंगे। पतझड़ में कभी ना कभी फूल जरूर खिलेंगे। शिल्पा जी आप रोड पे गाड़ी चलाती हैं, ध्यान रखना हम गुलदस्ते के साथ आपको सिग्नल पे जरूर मिलेंगे। भाई मैं देखो जी दो लफ्ज मैं कहना चाहता हूँ, मौके पे आमद होती है। हाँ जी, ऐसा कोई सपना नहीं जो होता नहीं पूरा। हाँ जी हाँ जी, ऐसा कोई सपना नहीं जो होता नहीं पूरा। और तू चल निकल चल। सिद्धू साहब शेर उस पर शेर तो बना नहीं सिद्धू साहब, सिद्धू सरकार बनाएगा। तू निकल। मैं देखो मैं सरकार बनाऊंगा। हेलो राम गोपाल वर्मा, मेरे को सरकार बनानी है। फोन काट दिया, सोनी साहब मेरा चेक काट दो। ओए तुम लोग निकलो चलो। सिद्धू साहब मैं इधर डिबेट में बैठने के लिए आया हूँ। ओ तू चल निकल, चल कहीं जाके मौत के कुएं मोटरसाइकिल चला चल। सही कहा, मौत के कुएं में मोटरसाइकिल। और तू वो मौत वाला कुआं बन। वाह सिद्धू साहब वाह वाह वाह। और दोनों एक दूसरे को ठोको। शिल्पा जी ठोको। ओ जोशी साहब ठोको। नहीं आप गुजराती हो, आप ढोक लो ढोको, फाड़ लो, रोको 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 इसे रोको। ओ मैं कह ढोक लो फाड़ लो। ओ राणा साहब आप कहते थे ना कि मुझको राणा जी माफ करना, आपको किया लेकिन इस औरत को मैं माफ नहीं करूंगा। शिल्पा देखो तुम अपने शो में छा गई, ये औरत मेरी कुर्सी खा गई। तो दूसरा हद से आगे जा रहे हैं आप। अब मैं तो सरहद से भी आगे चला जाता हूं कभी। पकड़ना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है। मैं देखो मैं सरहद से आगे जाता हूँ, मैं घूमने जाता हूँ। अच्छा तुम भी घूमा करो। अच्छा जाएंगे। तुम्हें मैं छोटे भाई रहो, एक बार बताता हूँ। बताइए। तुम भी घुमा फिरा करो, एक काम करो इतनी सी ग्रीन टी लो फेंक दो। तुम बहुत सारी ग्रीन टी तालाब में डालो, तालाब पी जाओ। मैं कह रहा हूं फर्क पड़ेगा, तालाब को फर्क पड़ेगा, तुम्हें नहीं लगता पड़ेगा भाई। देखो हम हमारी चर्चा डिबेट को थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं प्लीज, इफ यू डोंट माइंड। हम पी लेंगे ग्रीन टी, थोड़ा टाइम दीजिए तो हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो रियलिटी शो में जज क्यों होना चाहिए? शिल्पा जी ये सवाल आपसे है, बताइए क्यों होना चाहिए जज? वाई? ओके गुड आंसर। इस विषय पे मैं चुनती हूँ आशुतोष जी को, जो मेरे प्रतिनिधि है, प्रतिनिधि। इसके बारे में विशेष टिप्पणी देंगे वो, बताइए आशुतोष जी प्लीज एनलाइटन अज। देखिए आज की तारीख में सारी चीजें नापी जा सकती हैं, लेकिन रियलिटी को नापने के लिए कोई पैमाना नहीं है हमारे पास। वाह 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 वाह। मैं क्या बात छा गए, क्या बात कही है, मेरे को नहीं पल्ले पड़ी। पर क्या बात है जोशी साहब, ये मेरा मोबाइल आप इधर रख के चार्ज करोगे? मेरा फोन आ गई पर
बाकी मैं देखो मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सरकार से अर्चना के इस्तीफे की मांग करता हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, आप ही कुंडी ना खड़काओ राजा, इसको यहां से हटाओ राजा। देखिए अर्चना जी, सिद्धू जी इतना कह रहे हैं, आप भी थोड़ा कंसिडर कीजिए, आप बड़ी हैं उनसे और बुजुर्ग भी। देखो मैं पूरा बोलूंगा, मैं पूरी एक एक पोल खोलूंगा आपकी। बुजुर्ग भी आप हैं मुझसे, बड़ी भी हैं मुझसे आप। मैं एक एक करके, मैं किसी से डरता नहीं मोहतरमा, मैं पूरे राज खोलूंगा आपके। अर्चना जी बड़ी बुजुर्ग होने के नाते कृपया आप कुर्सी छोड़ दीजिए, आपके लिए दो लाइनें अर्ज करते हैं। ओए तेरी डिग्गी पजामा खा रही है। मैं देखो अर्चना जी, दो लाइनें आपके लिए अर्ज हैं, हम भी साथ में अर्ज करना चाहेंगे। मैं कभी आज तक रोया नहीं, फिर आकर मेरी कुर्सी पर बैठ गई। मैं ये लो, इसका मैं क्या करूं, ठोको। मेरे को बड़ा परेशान करती है नकली अर्चना, मैं हर जगह जाके छा जाती हूँ, मैं क्या करूं। एक मिनट, तू तो वहां बैठी थी, यहाँ कैसे आ गई? मैंने कहा ना, मैं आपकी शिष्य हूँ, हर जगह जाके छा जाती हूँ। तू छा नहीं गई, तू मेरी कुर्सी खा गई। मैं तो कहती हूँ आप खड़े रहो, क्योंकि चुनाव में भी तो खड़े रहते हो ना। Keep standing, my God! यही दोनों लोग बोले जाएंगे, मैं जाऊं यहाँ से? तेरे आने से कोई फर्क नहीं पड़ा, तो जाने से क्या फर्क पड़ेगा? मैं चंदू हूँ, सिद्धू नहीं, जो इतनी आसानी से आउट हो जाऊंगा, इधर ही बैठूंगा मैं। सिद्धू कमाल है, तुम पॉलिटिशियन हो, क्रिकेटर भी हो, बाहर जाके पैसा क्यों नहीं कमाते? इसी बात पे एक शेर अर्ज किया है कि जिंदगी एक सफर है सुहाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना। देखो मैं सिद्धू साहब, हाउ डिस्गस्टिंग, कैमरा चल रहा उधर? अच्छा फिर ठीक है। देखो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, बाहर जाके काम करो, पता चलेगा कितना मुश्किल है पैसा कमाना। ठोको। सही है, बस आप लोग इस तरह झगड़ा मत कीजिए, मुद्दे पर आ जाइए, कोई बात नहीं। मैं मुद्दे पे, मैं शो पे आऊंगा, पहले मुझे शो पे लाओ, फिर मैं मुद्दे पे आऊंगा। अरे उसको बोलने दो ना, डिबेट है, उसको बोलने दो, यू टॉक। आप ऐसे डराएंगे तो कैसे बोलेंगे? देखो अर्चना, मैं रिस्पेक्ट यू, ना शो मैं चला रहा हूं, ना चला रही है तू, शो रब चला रहा है। चलो तुझे प्रमीत बुला रहा, चल चलो। बैठ जा, बैठ। मैडम बता कर ऐसा करो, पिछली बार भी हंस रही थी, कौवा बाहर आ गया था, वो मैंने चम्मच से अंदर किया था, याद है कि नहीं? चलिए आप जरा चर्चा को आगे बढ़ाएं, प्लीज। चर्चा को छोड़िए, आप थोड़ा खर्चा कीजिए, भूख लगी कुछ खिलाइए। ओ मक्खी की लंगोट, ओ मक्खी। ओए मेरी पीठ टेढ़ी हो गई, इधर ओ मक्खी के लंगोट। ओ मक्खी, ओ सच में लगता है। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं, हमारा अगला मुद्दा है, नेक्स्ट मुद्दा जिसके बारे में हम यहाँ पर डिबेट करना चाहेंगे, वो यह है कि
अक्सर आजकल जब लोग बाहर घूमने जाते हैं या कहीं पे खाना ऑर्डर करते हैं, खाना आता है तो खाने से पहले, घूमने से पहले फोटो लेके सोशल मीडिया पे डालते हैं, व्हाई? ये बहुत गलत बात है, है कि नहीं? है हाय शिल्पा, हाय बोलो ना मेरे फैंस को, हाय कपिल शर्मा, शूटिंग माइंड ब्लोइंग। भाई माँ तो होती है ममता की मूर्त, माँ होती है ममता की मूर्त, वो ऐसे बच्चे भी पाल लेती है। माँ होती है ममता की मूर्त, वो ऐसे बच्चे भी पाल लेती है। भाई चैनल पे आने से पहले सारा शो इंस्टाग्राम पे डाल देती है। सिद्धू साहब, मैं यार जब से गया हूं मैं हंसा ही नहीं आ रहा। मैं सच्ची में मेरे आंसू निकल रहे, सलवार से निकल रहे मेरे आंसू। मैं हंसना भूल गया यार। मैं सिद्धू साहब आपको जलाने के लिए डालती हैं वो। बेटे गुस्सा मुझे, उस पे थप्पड़ मैंने तेरे मार देना। मैं हंसा ही नहीं यार। ऐसा मत कहिए सिद्धू साहब, ऐसा मत कहिए आप। ऐसा एक मिनट, हमारे पास जोक्स का पिटारा रहता है, हम आपको जोक सुनाएंगे, जोर जोर से हंसेंगे आप अभी। अच्छा सुनो। ओके ओके सुनाता है। तो एक लड़की है रिया। एक ही पजामा है मेरे पास। ये मल्टी लेवल लाफ्टर क्या देती हैं आप यार, फाइनल एंड में दीजिए ना। तो एक लड़की है रिया, उसने अपने आप को कमरे में बंद कर रखा है ना जी, बहुत अच्छा दिनों से कमरे में बंद कर रखा। तो अब वो क्या बन गई है रिया, है कमरे में बंद है बहुत दिनों से, क्या बन गई? क्या बन गई? बंद रिया, बंद रिया। ये जोक था तेरा? हाँ ये जोक था। वो तो चैनल की रिस्पेक्ट में हंस दिया मैं, इतना गंदा चुटकुला तूने सुनाया, उल्टी आ गई थी मेरे को। अरे लेकिन ये तो हंसी ना, देखिए वो हंसी नहीं, उसको भी उल्टी आ रही थी। हम दोनों हाई लेवल के वॉमिट पेशेंट हैं। ओह माय गॉड, मुझे इतनी भूख लग रही, मेरे स्नैक्स का टाइम हो गया है। माय गॉड, अर्चना जी आप सांप खाती हैं? भाई जो औरत किसी का करियर खा सकती है, सांप उसके लिए क्या है? देखो मैं ये बिल्कुल झूठी, मैंने खुद देखा इनको सुबह सांप का पराठा खाते हुए। ये पराठा खा रही थी, बीच में से सांप निकल रहा था, और ये सांप के पराठे को नेवले की चटनी के साथ खाती है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सिद्धू साहब, ये सांप खाएं, मूली खाएं, राजा मूली खाएं, आपके कटप्पा में दर्द क्यों हो रहा है यार? खबरदार अगर मेरी अर्चना के बारे में कुछ कहा तो। आया? अर्चना मुझे भूल जाइए, हो नहीं सकता, मैं अर्चना को बुला दूं, ये मैं होने नहीं दूंगा। अच्छा जी, आई लव यू चंदू। ओ यार मेरे भोपाल के सुनील शेट्टी। जी मेरे हाथ की बनी स्पेशल चाय। वाओ, लेकिन इस चाय में मजा नहीं आया, तुम उंगली डाल के देते हो ना, वाओ, माइंड ब्लोइंग। ये उठपटांग हरकतें चलती रहेंगी, हम मुद्दा जरा सा आगे बढ़ाते हैं, चर्चा कर ले। इफ यू डोंट माइंड। जी जी। तो हम जानना चाहेंगे कि आप में से ज्यादातर लोग शादीशुदा हैं, तो अक्सर ये देखा गया है कि पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है, फाइट होता है, तो पति ही एंड में सॉरी बोलता है, ऐसा क्यों? मैं नहीं बोलता, मैं शेर आदमी, मैं नहीं बोलता सॉरी। लेकिन आप बीच में क्यों बोल रहे हैं सॉरी? सिद्धू साहब इसके लिए सॉरी। सिद्धू साहब आप अपनी जुबान से फिर रहे हैं। देखो मैं इसी बात पे एक शेर कहना चाहता हूं। हाँ जी जी। भाई मेरी कुर्सी पे इसने मेरी कुर्सी पे इसने गुरु कैसे नजर डाला, मेरी कुर्सी पे गुरु इसने कैसे नजर डाला। ये नकली सिद्धू है शैतान का साला, मैं इसका कर दूंगी झींगा लाला। तू मुझे फिर से यहां से भगाना चाहती धोखेबाज औरत, मैं थोड़ी मार के तेरे ऊपर वाले दांत तोड़ देने। धोखेबाज तो तुम हो, मैंने तुम्हें अपनी बर्थडे पार्टी पे बुलाया था, तुम आए ही नहीं। मैं वो गुरु जिद्दन तुम्हारी बर्थडे पार्टी थी, मैं मेरे दोस्त की बैचलर पार्टी थी, मैंने फिर पार्टी बदल ली।
वो मुझे मजा आता है, मैं अमृतसर से दोबारा शो में वापस आ गया हूँ, ठोको ताली। यार ये डिबेट है कि कोई रायता है जो आप लोग फैलाते जा रहे हैं? तो फैला रहे हैं तो खा लो। तो बताइए आप में से कोई बताना चाहेगा कि पति ही सॉरी क्यों बोलता है? आशुतोष जी, नारी कल भी भारी थी, नारी आज भी भारी है, और पुरुष कल भी आभारी था, पुरुष आज भी आभारी है। देखो आज सॉरी ये बोलेगी, इसने मेरे साथ गलत किया है, इसने मेरे साथ गलत किया है पुत्र, चलो कुर्सी से उतर, चल चल। ये कुर्सी मेरी है, ये कुर्सी मेरी है, मेरी है, मैं कह रहा हूँ मेरी है, मेरी है, मेरी है कुर्सी। अरे रुक जाइए, इस प्रकार का झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, एक कुर्सी कम पड़ रही है, हमें कुर्सी और मंगा देते हैं, डोंट वरी। कुर्सी ले आइए जरा, मेरी कुर्सी आ गई, मैं बैठूंगा इस पे। ये वाली कुर्सी भी मेरी है, ये मेरी है, मेरी है। देखो मैं कह रहा हूँ मेरी है, मेरी है, मैं ये कुर्सी मेरी, मत मार देना, रख कुर्सी मेरी, अरे रुक जाइए, कुर्सी रख मेरी है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तेरी है, हाँ, ये कुर्सी हो गई मेरी, अब बैठ के बता। बराबर, ये कुर्सी मेरी है, ठीक है बैठो, इधर बैठो, तुम्हें देता हूं, ये तुम्हारी है, ये लो फड़ो फिर, ये लो, ये तुम्हारी कुर्सी। अरे मुझको बड़ा मजा आया, हम माफी चाहेंगे, काफी हिंसा हो गई है यहाँ पे, इस डिबेट को यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा, अभी तक कोई हाथ-हाथ नहीं हुआ है, लेकिन अगर होगा तो आपको हम सूचित कर देंगे। थैंक यू वेरी मच यहाँ पर आने के लिए, आप लोग रिलैक्स कीजिए, ठोको भाई ठोको, ओके बहुत बहुत शुक्रिया, आइए, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा। माइंड ब्लोइंग, सॉरी मैम, तो थैंक यू वेरी मच, आप लोग यहाँ पर आए, हमारे शो की शोभा बढ़ाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, बहुत एंजॉय किया हमने। तो चलिए आप लोग इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास सफाई बनाए रखें, और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। थैंक यू।